अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड, आप सभी बच्चे अपनी अपनी इस्लामियात की बुक निकाल लें और इस किताब से हम सब आज पढ़ेंगे दुआया कुनूत। ठीक है, तो अब सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम सब दुआया कुनूत पढ़ना। दुआ कुनूत क्या है बेटा, ये आप सबको पता होगा। हम सब मुसलमान जो है तो जब रात में ईशा का वक्त होता है, ईशा की नमाज़ के लिए जब खड़े होते हैं, तो ईशा की नमाज़ में चार सुन्नत, चार फ़र्ज, दो सुन्नत, दो नफिल, तीन वितर और दो नफिल होती है। तो इसमें से जब तीन वितर जो होती है, जो कि आखिरी की दो नफिल के पहले हम सब पढ़ते हैं, तो तीन वितर में से तीसरी रकात जो होती है, ठीक है, पहली और दूसरी रकात में तो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद हम सब कोई भी सूरह जोड़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, लेकिन तीसरी रकात जो होती है तो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद हम सब कोई सूरह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो पढ़ते हैं वो दुआ कुनूत होता है। ठीक है, और ये सबसे ज़रूरी होता है और इसे हम सब मुसलमानों को याद होना चाहिए, और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को याद भी हो। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं दुआ कुनूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नूमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नश्कुरुका व ला नग़फिरुका व नख़लु व नतरुकु मय्यज़ुरु। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नग़फिरु व नर्जु रहमतका व नख़शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ार मुल्हिक़। ये दुआ कुनूत है और इसका तर्जमा है, इलाही हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे मुआफ़ी मांगते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। इलाही हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते और खिदमत के लिए हाजिर होते हैं और तेरी रहमत की उम्मीद, तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को मिलने वाला है। बेटा, इसमें भी अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह से मदद मांगना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है। ठीक है, अल्लाह ने जो बताया है हम सबको उस पर अमल करना है और अल्लाह के अज़ाब से हम सबको डर लगता है। ये सारे मायने इसी के हैं, तो आप सब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा दुआ कुनूत को। ठीक है, और आइए आगे का सबक पढ़ना हम सब शुरू करते हैं। सबक नंबर 7, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इस सबक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे कि वो कहाँ पैदा हुए, ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया, उनको किसने पाला, ठीक है, उनके अम्मी कौन थी, अबू कौन थी, दादा कौन थे, चचा कौन थे, इन सब के बारे में हम सब इस सबक में पढ़ेंगे। तो चलिए सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन स्कूल में मास्टर साहब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें बता रहे थे। ज़फ़र के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जानने का ख्याल पैदा हुआ। उसने पूछा, मास्टर साहब, हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? मास्टर साहब ने बताया, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। मक्का मुअज़्ज़मा मुल्क अरब का एक शहर है। मुल्क अरब हमारे मुल्क से बहुत दूर मग़रिब की जानिब है, जिधर सूरज छिपता है। उसी शहर में खाना काबा है, जिसकी तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं और जहां हाजी हज करने जाते हैं। एक दिन स्कूल में मास्टर साहब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, तभी उनका एक स्टूडेंट था, तो ज़फ़र उसका नाम था, उसके दिल में ये ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे तो उनके उनके हालात जानने का ख्याल पैदा हुआ कि मतलब उनके क्या हालात थे, वो कैसे थे। तो उसने पूछा कि मास्टर साहब, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे?
सबसे पहले उसने यही सवाल किया। तो माशा साहब ने भी बताया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। मक्का मुअज़्ज़मा जो था तो वो अरब मुल्क में था, ठीक है, और वहाँ का एक शहर था। मुल्क अरब जो है, जो कि हमारे इंडिया से, हमारे हिंदुस्तान से मगरिब की तरफ है, ठीक है, और जिधर सूरज डूबता है ना वो मगरिब कहलाता है। और उसी शहर में खाना काबा है और जिसकी तरफ मुँह करके हम नमाज़ पढ़ते हैं। सारे मुसलमान जब नियत करते हैं नमाज के लिए तो हम लोग क्या कहते हैं कि रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। तो बस वही है कि हम लोग काबा शरीफ की तरफ ही मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। और जहाँ पर लोग हज करने के लिए जाते हैं, ज़फ़र मास्टर साहब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हालात बताइए। अब वो जानना चाहता है कि मतलब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हालात थे। मास्टर साहब ने बताया, बहुत दिन की बात है, 1400 साल से भी ज़्यादा पहले की बात है, अरब के मुल्क में सबसे इज्जत वाला कुरैश का ख़ानदान था। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ख़ानदान में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम अब्दुल्ला और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भाई या बहन नहीं था, यानी कि बहुत दिन पहले की बात है, 1400 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है इस बात को, क्योंकि अरब के मुल्क में सबसे इज्जत वाला, सबसे मतलब सबसे उम्दा ख़ानदान जो था वो कुरैश का ख़ानदान था। और हमारे नबी जो थे, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उसी ख़ानदान में पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश उसी ख़ानदान में हुई थी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू का नाम अब्दुल्ला था और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का जो नाम था तो वो आमना था। और हमारे नबी जो थे वो इकलौते थे, उनका कोई भाई बहन नहीं था। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम अहमद भी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी ने रखा था। हमारे नबी के अब्बा जान का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही इंतकाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ने दूध पिलाया, जिनका ताल्लुक कबीला बनी सास से है। यह कबीला मक्का के पास ही एक गांव में रहता था। हज़रत हलीमा बहुत नेक खातून थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल उनके यहाँ रहें, यानी कि मास्टर साहब ने जवाब दिया ज़फ़र के पूछने पर। तो उन्होंने बताया कि हाँ, कुरैश के ख़ानदान में हमारे नबी की पैदाइश हुई और हमारे नबी के अब्बा का नाम अब्दुल्ला था, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, अम्मी का नाम आमना था और वो इकलौते थे। और हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मशहूर नाम था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम जो था तो आपके दादा ने रखा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम अहमद भी है, जो कि आपकी अम्मी ने रखा था। आप और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान का जब वो पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो आपके अब्बा का उसके पहले ही इंतकाल हो चुका था, उनकी वफ़ात हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा ने दूध पिलाया, उनकी अम्मी थी, उनकी अम्मी का नाम आमना था, आप सब जानती हैं, तो वो थी। लेकिन पहले क्या होता था कि हाँ, जब बच्चे पैदा होते थे तो उन्हें शहर से गांव में भेज दिया जाता था। तो वही था कि कुछ औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थीं, उन्हें पाल पोस के जब थोड़ा बड़ा कर देती थी तो वो मतलब वापस कर देती थी उनके अम्मी अब्बू को। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कबीला बनी सास की कुछ औरतें आई थी, ठीक है, तो उसमें दाई हलीमा भी थी। दाई हलीमा ने इनको अपनी मतलब ले लिया कि यहाँ ज़िम्मेदारी उनकी कि हाँ, हम इसको ले जाएंगे, इसको पाल पोस के बड़ा करके दे देंगे। तो ये तो वो ले गई फिर, और फिर गांव में वो कुछ दिन रहे। फिर हज़रत हलीमा बहुत नेक खातून थी, उन्होंने उनकी थोड़ी परवरिश की। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हुए तो वो आपको आपकी अम्मी को सौंप दिया, दे दिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा जान का भी इंतकाल हो गया। तब
मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो दादा भी वफात पा गए। अब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने पाला। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अपने साथ रखते थे। यानी कि जब 4 साल के हुए तो दाई हलीमा ने उनकी अम्मी को सौंप दिया, आप अपनी अम्मी के पास आ गए। फिर आप जब 6 साल के हुए, यानी कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 6 साल की हुई तो आपकी अम्मी भी मतलब की वफ़ात हो गई, उनका भी इंतकाल हो गया। अब अम्मी अबू दोनों ही नहीं, तो फिर ऐसे में आपके दादा जान ने आपकी ज़िम्मेदारी ले ली आपको पालने पोसने की। तब आपकी उम्र सिर्फ 6 साल थी, फिर दादा जान ने ले ली। फिर जब आप 8 साल के हुए तो दादा जान का भी इंतकाल हो गया। और फिर उसके बाद अब कौन आपकी परवरिश करेगा, अभी तो आप छोटे थे, तो आपके पूरा मतलब पालना पोसना सब कुछ आपके सारी ज़िम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब ने ले ली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके चचा बहुत मोहब्बत करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा वो अपने साथ रखते थे, उनके चचा जो थे तो हमेशा अपने साथ रखते थे, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, इतनी मोहब्बत उनसे करते थे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बड़े नेक और सच्चे थे, इसलिए सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अमानतदार थे, इसलिए सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहते थे। छोटे बड़े सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते थे। सच है अगर हम भी नेक और अच्छे बने तो सब लोग हमसे भी प्यार करेंगे और हमारी भी इज्जत होगी। यानी कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से यानी कि वो छोटे पे से ही बहुत नेक और सच्चे थे। ऐसा नहीं था कि जब उनको समझ आए वो बड़े हुए तब वो नेक बने, उन्हें कामों को किए, नहीं, वो बचपन से ही बहुत नेक थे, नेक काम करते थे, सच बोलते थे, झूठ से बचते थे। और इन्हीं सब बातों को मतलब लोग पसंद करते थे और आपको सादिक का नाम दिया गया, लोग आपको सादिक कहते पुकारते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बहुत अमानतदार थे, मतलब बहुत ईमानदार भी थे और अमानतदार थे, इसलिए सब आपको क्या कहते थे, अमीन कहकर भी पुकारते थे। छोटे बड़े जितने भी लोग थे सब आपको सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे, बहुत मानते थे आपको। सच है, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि अगर हम सब भी नेक बन जाएँ, सच बोलें और अच्छे अच्छे काम करें तो हमसे भी सब लोग बहुत प्यार करेंगे, ठीक है, बहुत इज्जत करेंगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से अपने काम आप करने की फ़िक्र थी, खुद कमाने और अपना खर्च खुद उठाने की फ़िक्र थी। कुछ दिन बकरियां भी चराई, फिर तिजारत करने लगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत का पेशा सबसे ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को सबसे अच्छा पेशा करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के तरीके और रंग ढंग बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेन देन का हिसाब साफ रखते, सच्चाई, अमानतदारी, मेहनत व उस्तादी, शरीफाना बर्ताव और मीठी बोली पर बहुत जोर देते थे। यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अपना सारा काम वो खुद करते थे, वो खुद पे मतलब किसी पे डिपेंड नहीं हुए, वो उनको अपना काम खुद करना पसंद भी था और खुद कमाते थे, अपना खर्चा जो था वो खुद उठाते थे और उसकी मतलब खर्च उठाने की वो पूरी जिम्मेदारी खुद पे ली रखी थी, कभी किसी पे बोझ नहीं बने। और कुछ दिन उन्होंने क्या किया, बकरियां भी चराई और फिर तिजारत करने लगे। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनको तिजारत का पेशा सबसे ज़्यादा पसंद था, यानी कि तिजारत का जो काम था, खरीद फरोख्त का, यहाँ वहाँ जाना, ये काम जो था उनको सबसे ज़्यादा पसंद था, उनका पसंदीदा काम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का सबसे अच्छा पेशा तिजारत को जो था सबसे अच्छा पेशा करा दिया कि हाँ ये सबसे बेस्ट है, सब कामों में सबसे अच्छा काम यही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के तरीके और रंग ढंग बहुत अच्छी तरह जानते थे, मतलब उनको क्या कब कैसे क्या करना है उनको बहुत अच्छे से मालूम था, लेन देन हिसाब किताब वो बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत साफ सुथरा रखते थे, और सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत व उस्तादी, शरीफाना बर्ताव, मतलब लोगों से बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे, उनका बहुत मोहब्बत से और बहुत मीठी बोली बोलकर लोगों का दिल खुश रखते थे और इसी बात पे वो सबसे ज़्यादा जोर देते थे। बड़े हुए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की।
वो बहुत नेक औरत थी, अपने शौहर की खूब खिदमत करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सौ जान से कुर्बान होती थी। जब आप बड़े हुए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए तो उन्होंने हज़रत खदीजा से शादी कर ली, क्योंकि वो बहुत नेक औरत थी हज़रत खदीजा, और अपने शौहर की बहुत खिदमत करती थी और बहुत मोहब्बत भी करती थी उनसे, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो सौ जान से कुर्बान होती थी। इतने ज़्यादा वो मोहब्बत करती थी कि ख़ुद को कुर्बान करने के लिए भी वो हमेशा तैयार रहती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा। रसूल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, किसी और के सामने सर ना झुकाओ, जो कुछ मांगो बस अल्लाह ही से मांगो, किसी पर जुल्म ना करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी को गाली ना दो, हमेशा सच बोलो, किसी के साथ बुरा सलूक ना करो, सबके साथ भलाई करो। यानी कि अल्लाह के रसूल जो थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ने आपको नबी बना दिया, रसूल बनाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा। रसूल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि लोगों को समझाना शुरू किया कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, किसी और के सामने सर ना झुकाओ, किसी और की बात ना मानो, ये सारी बातें वो बताने लगे, और किसी को गाली ना दो, हमेशा सच बोलो, किसी के साथ बुरा सलूक ना करो, किसी का हक ना मारो, ये सारी बातें सबके साथ भलाई करो, सबके साथ अच्छाई करो, ये सबको समझाने लगे, सबको बताने लगे। कब? जब वो रसूल बन गए। अच्छे लोगों ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली, वो मुसलमान हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने लगे। मगर बुरे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सताने लगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनके जुल्म सहते रहे, फिर भी अपना काम करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अच्छी बातें बताने और समझाने का काम करते रहे। यानी कि अच्छे लोगों ने तो जो अच्छे लोग थे हमारे नबी की वो बातें मानने लगे और मुसलमान हो गए और आपका साथ देने लगे। मगर जो लोग बुरे थे ना, उन लोगों ने बात नहीं मानी, उल्टा उनके दुश्मन बन गए, जान के दुश्मन बन गए उनके और उनके साथियों के। यानी कि हमारे नबी और उनके साथियों के दुश्मन बन गए और उन पर जुल्म करने लगे। लेकिन जुल्म सहते सहते भी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथियों ने ये दीन का काम फैलाने से पीछे नहीं हटे, वो अपना काम करते रहे, अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते रहे, समझाते रहे। जब दुश्मनों ने ज़्यादा सताया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने का फैसला कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना प्यारा वतन मक्का शहर छोड़कर मदीना चले गए। मदीना भी मुल्क अरब का एक शहर है, वहाँ भी बुरे लोगों ने पीछा ना छोड़ा। आखिर अल्लाह ने मदद की, बुरे लोगों का जोर टूटा, अरब के सारे लोग मुसलमान हो गए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना ही में इंतकाल हुआ, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए। मदीना ही में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। जब दुश्मनों ने ज़्यादा सताया उन लोगों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को, तो आपने फैसला कर लिया कि आप अपना वतन जो था मक्का शहर जहाँ वो पैदा हुए थे उनको छोड़ कर वो मदीना चले गए। और मदीना चले गए और वो भी अरब का ही एक शहर है, तो वहाँ भी बुरे लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनको सताना, उनको परेशान करना। तो आखिरकार अल्लाह की मदद उतरी उन पर और क्या किया, अल्लाह ने सब जितने भी बुरे लोग थे उनका जोर तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? कि वो अरब के सारे लोग जो थे वो मुसलमान हो गए। हमारे रसूल जो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में ही इंतकाल हो गया और वहीं आपको दफन किया गया। मदीना ही में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, जो कि मस्जिद नबी कहलाती है। ठीक है, तो ये सबक हो गया पूरा बच्चों, और इसकी एक्सरसाइज जो है तो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, माशाल्लाह आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग अपने से कर सकते हैं। अगर सबक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ना तो आप लोग अच्छे से कर भी सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।